हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे धनिये की चटनी। धनिये की चटनी बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी भी होती है। धनिये की चटनी बनाने के लिए हमने एक टमाटर, एक प्याज, आधा नींबू, लहसुन और अदरक, ये धनिया जो मैंने काट लिया है, नमक स्वादानुसार, दो हरी मिर्च। फ्रेंड्स, चटनी के बिना हमारा खाना अधूरा होता है और धनिये की चटनी स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। इससे हमारी बहुत सी स्किन डिजीज हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए आज हम बना रहे हैं स्वादिष्ट धनिये की चटनी। हम सारी सामग्री को मिक्सी में डाल लेंगे। देखिए, ये सारी सामग्री है, इसको हम मिक्सी में डाल लेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। ये नींबू है, इसको भी हम साथ में ही निचोड़ लेंगे, जिससे हमारी चटनी है वो खट्टी खट्टी अच्छी लगेगी। और अभी हम इसको पीस लेंगे। हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है और अब हम इसमें नमक डाल देंगे और एक बार फिर से चला लेंगे। देखिए, ये हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है। अब हम इसको कटोरी में डाल लेंगे। हमने इसको कटोरी में डाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी धनिया की चटनी तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं आगे जो भी रेसिपी बनाऊंगी वो सब आप तक पहुंच जाए।